हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों यार, आज नई दिन की शुरुआत हो चुकी है एंड भाई का भी थोड़ा तबीयत पहले से बेटर है। एंड देखो सुबह सुबह ना क्या कर रहे हैं यहाँ पे भाई। तो दोस्तों यार, सुबह सुबह यहाँ पे मसाज चालू है। हमारे पास एक मसाजर है ना, उससे भाई मसाज कर रहा है। तो दोस्तों आज है संडे का दिन एंड आज मैं बनाने वाला हूँ देसी अंडे। चलो यार, इसका ऑमलेट बनाते हैं एंड सीधा आपको दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पे मेरा ऑमलेट बड़ा सा रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ पे दो अंडे का ऑमलेट बनाया है एंड एकदम परफेक्ट बनाया है। तो गाइस, तबीयत काफी बेटर लग रही है और अभी मैं नहा के रेडी भी हो चुका हूँ, क्योंकि मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा आउट ऑफ सिटी थोड़े काम के लिए। एंड पीछे रोहन तैयार होके ऑफिस निकल रहा है और मैं जा रहा हूँ फटाफट रेलवे स्टेशन, वहाँ से लोकल ट्रेन पकड़ के आउट ऑफ सिटी, थोड़ा सा कुछ काम है। तो ब्लॉग में देखना, हो सके तो मैं आपको दिखाने की कोशिश। और यहाँ पे हम गाइस निकलते हुए, और रोहन भी ऑफिस जा रहा था, तो मैंने रोहन को बोला कि प्लीज मुझे रेलवे स्टेशन तक ड्रॉप कर दे। रोहन अपनी बाइक निकालते हुए, और यहाँ पे हम अपनी सोसाइटी से निकलते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ। सबसे पहले जाते हैं रेलवे स्टेशन। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ रेलवे स्टेशन पे और ये रहा हमारा भाई। सर संडे का दिन था तो थोड़ा रश कम था और मुझे लोकल मिल गई फाइनली यार, बैठने तो मिल गया मुझे। और यहाँ पे हम चलेंगे और सीधा पहुँचेंगे बोरीवली। और यहाँ पे हम बोरीवली पहुँच गए दोस्तों। और बोरीवली भी पहुँचने के बाद बाकी फ्रेंड्स का हम इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हमेशा की तरह वो इस बार भी लेट थे। इतने में मुझे अमे का कॉल आता है और बोलता है कि आ जा ईस्ट में। तो गाइस फाइनली बोरीवली पहुँच गया एंड बोरीवली पहुँचते ही हमारे पुराने मित्र एंड पुराने कलीग जो कि अमे सर। Yes, sir. हमारे लिए तो सर नहीं है, आप लोग के लिए सर होंगे। और पीछे जागृति मैडम से हाय। हाय। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दहीसर, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, क्या नाम था, मास्टर शेफ किचन। वहाँ मास्टर शेफ किचन में जा रहे हैं एंड बाकी जो टीचर्स है यानी पुराने हमारे कलीग से, वो वहाँ ही मिलने वाले। Next. तो जाते हैं, मिलते हैं आप लोग इस ब्लॉग को, तब तक एंजॉय करो। तो रास्ते में जाते जाते हमने डिसाइड किया कि हम मास्टर शेफ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे रंगरेज रेस्टोरेंट। और यहाँ पे हम आ चुके हैं रंगरेज रेस्टोरेंट, तो चलो अंदर जाते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग फाइनली एक रेस्टोरेंट में बैठ चुके हैं और यहाँ पे सभी हमारे कलीग्स जो है आ चुके हैं यहाँ पे। तो अभी फटाफट से यार कुछ खाने के लिए ऑर्डर देते, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो ये है जागृति मैम, ये उमा मैम, मिताली मैम, हमारे अली सर और ये हमारे अमय सर। संडे का दिन था तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड भी था यहाँ पे रेस्टोरेंट में, और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत अच्छा वाइब था। तो हमारा खाने का सिलसिला यहाँ पे शुरू होता है, मसाला पापड़, सीख कबाब एंड साथ में यहाँ पे पनीर चिल्ली एंड भी बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे मंगाने थे। तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग डिस्कस कर रहे थे, काफ़ी दिनों के बाद हम मिल रहे थे। फाइनली हमने मंगाया यहाँ पे चिकन तंदूरी लॉलीपॉप, फिर हमने बर्न गार्लिक राइस एंड यहाँ पे पनीर की ग्रेवी सब्जी मंगाई एंड फाइनली लास्ट में है दोस्तों यहाँ पे बिरयानी। तो ये जो बिरयानी है, चलो इसको फटाफट इन्जॉय करते हैं एंड उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट। गाइस खाना एंड बाकी चीज़ हो चुका है डन एंड अभी हम लोग निकलेंगे घर पे। तो गाइस जस्ट हम लोग अभी निकल रहे हैं घर के लिए, यहाँ पे रेस्टोरेंट के बाहर है हम लोग, और बाकी लोग डिस्कस करते हुए कि फ़ोटोज़ कैसे आ रहे हैं। तो उसके बाद फिर हमने फाइनली कुछ फोटोज साथ में क्लिक कराए, क्योंकि हम बहुत समय के बाद मिल रहे थे। और फिर हम चल पड़े यहाँ से बोरीवली स्टेशन एंड यहाँ से ट्रेन पकड़ के अपने घर की तरफ। तो यार दोस्तों, रिसेंटली मैंने अभी HDFC का अकाउंट बनाया था एंड यार उसका वेलकम किट आ चुका है। तो चलो यार चलते हैं, डिलीवरी वाले भाई का फोन आ चुका है एंड डिलीवरी वाले भैया मेरे बिल्डिंग के नीचे ही खड़े हुए। तो यार आ चुके हमारे डिलीवरी वाले भैया एंड यार ये मुझसे मांग रहे थे अपना आधार कार्ड, क्योंकि यार ये था बैंक का कुछ ID, दैट्स वाई यार यहाँ पे मैंने ID दिखाया एंड हाथ में मेरा ले चुका हूँ मेरा वेलकम किट। तो चलो चलते हैं घर पे। तो फाइनली यार 3 दिन पहले मैंने अकाउंट बनाया था एंड यार आज मेरे हाथ में आ चुका है वेलकम किट। तो यार HDFC वाले का सर्विस ना बेहतरीन है, चलो यार इसको ओपन करें। तो दोस्तों यार चलो अभी फाइनली टाइम आ गया ये चीज़ को ओपन करने का, चलो देखते हैं यार कि बैंक वाले ने हमें इसमें क्या क्या चीज़ दिया है। तो ओपन करते ही सबसे पहले मुझे बहुत सारे यहाँ पे पेपर्स मिलते हैं, इसमें यहाँ पे लिखा होता है कि कैसे आपको डेबिट कार्ड अपना एक्टिवेट करना है एंड और भी डिटेल्स अबाउट बैंक। फिर यार यहाँ पे मुझे मिलता है एक पासबुक, चेकबुक एंड लास्ट में मुझे यहाँ पे मिलता है मेरा ATM, जो यार यहाँ पे ना सिक्योरिटी में अच्छे से लगाया हुआ रहता है। तो दोस्तों यार अभी एक और काम आ चुका है, एक्चुअली एक हमारे पहचान वाले अंकल है, उनको एक नया मोबाइल लेना है एंड आपको तो पता ही दोस्तों कि मुझे मोबाइल के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो यार वो मुझे लेके जा रहे हैं। तो चलो यार दुकान में चलते हैं एंड मिलते हैं। फिर यार मैं यहाँ पे आ जाता हूँ दुकान पे एंड यार अंकल को पसंद आता है ना रेडमी का फ़ोन, मैं भी बहुत सारे फ़ोन चेक करता हूँ तो मुझे रेडमी का ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि अंकल का बजट था 15,000 एंड इधर 15,000 के बजट में रेडमी 12 5G उनको अच्छा लगा, 8 GB रैम था एंड 256 इंटरनल एंड यार फाइनली ऐसा कुछ दिख रहा था हमारा फ़ोन। तो चलो यार अंकल को फ़ोन दिला दिए, अभी हमारा काम हो चुका है तो अभी सीधा निकलेंगे ऑफिस के लिए। तो फाइनली दोस्तों यार आ गया हूँ घर पे, लिटरली यार दुकान पर बहुत ज़्यादा पंगा हो गया था, मीन्स यार आंटी को जो फ़ोन पसंद आ रहा था वो अंकल को नहीं आ रहा था, दैट्स व्हाई मैंने बता दिया ये फोन लेने के लिए एंड मैं वहां से निकल गया, क्योंकि यार मुझे ऑफिस आना था। शाम का टाइम हो चुका था एंड मुझे लग चुकी थी भूख, तो यार मैं यहाँ पे आ जाता हूँ पानी पूरी खाने के लिए। तो यार फटाफट पानी पूरी खाते हैं एंड इसके बाद निकलेंगे घर के लिए। तो दोस्तों शाम का टाइम हो चुका है एंड यार अभी मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। सबसे पहले आप टाइम देख लो,
टाइम हो रहा है यार 6:45 एंड दोस्तों अभी मैं निकल रहा हूँ घर, क्योंकि यार भाई तो है नहीं, भाई डायरेक्ट गया है थोड़ा बाहर कुछ काम से, एंड डायरेक्ट वो रात को डायरेक्ट घर पे आने वाला है। तो यार सब काम हो चुका है डन, डिजिटल वगैरह बोर्ड बंद हो गया है। तो चलो यार दोस्तों निकलता हूँ घर पे एंड सीधे जाके आपसे घर पे मिलता हूँ। तो फाइनली गाइज जस्ट अभी मैं घर पे पहुंच चुका हूँ और आप हालत देख सकते हो, पूरा पसीना पसीना हो चुका है। तो फटाफट से यहाँ पे कपड़े मैं चेंज करूंगा, फ्रेश होता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा मैं डिनर करूंगा क्योंकि ऑलरेडी यार बहुत कुछ खा के आया हूँ। तो थोड़ा सा डिनर करूंगा और उसके बाद सीधा सो जाऊंगा। तो इसी के साथ दोस्तों ये जो ब्लॉग है मैं इसको एंड करना चाहूंगा और उम्मीद करता हूँ कि आज जो डेली ब्लॉग हमने बनाया ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आया, तो प्लीज इस ब्लॉग को एक थम्स अप दे देना, यानी एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करना, जरूर से बताइए हमारे इस ब्लॉगिंग जर्नी के बारे में आपको कैसा लग रहा है, कमेंट कर सकते हो, आपको सजेशन देना चाहते हो आप दे सकते हो, ठीक है। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो यार इस चैनल को भी सपोर्ट जरूर से करो और 1 लाख कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करो। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो मिलेंगे एक और न्यू ब्लॉग में बहुत जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू एंड